नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7 और मैं हूं प्रांजल आर्या। पाकिस्तान को संदेश, पीड़ितों को भरोसा और आतंक पर आखिरी बार, तो कुछ ऐसा है अमित शाह का मिशन कश्मीर। 5 अगस्त 2019 ये तारीख हर किसी को याद होगी। ये वही तारीख है जब जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हटा दी गई, मगर आज ये मुद्दा बेहद ही संवेदनशील बना हुआ है। वजह है घाटी में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां। जम्मू कश्मीर के हाल कितने खराब है ये आप अपनी टीवी स्क्रीन खोलकर देख सकते हैं। अब इस मुद्दे पर पैनी नजर रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 25 महीने बाद 3 दिवसीय दौरे के लिए कश्मीर पहुंच चुके हैं। अमित शाह के दौरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कश्मीर में विशेष तौर पर स्नाइपर्स, ड्रोन और शार्प शूटर्स को तैनात किया है। इन्हें स्ट्रेटेजिक पॉइंट की देखरेख के लिए भेजा गया है। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में IB NIA सेना CRPF के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं। वो हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर कर रहे हैं। अमित शाह का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकी मजदूरों और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी हमलों के बाद लोगों में खौफ भी बढ़ गया है। कई प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यक हिंदू घाटी छोड़कर भी जा रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री का दौरा अल्पसंख्यकों में भरोसा जगा सकता है। ऐसे में शाह के दौरे के जरिए पाकिस्तान को ये संदेश देने की भी कोशिश होगी कि वो कितना ही आतंक फैलाए, भारत अपने लोगों का हौसला हिलने नहीं देगा। अपने इस खास दौरे के दौरान अमित शाह कई अहम बातों पर खासा ध्यान देंगे, जैसे कि आतंकियों के निशाने पर आकर अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करना। इसके साथ ही श्रीनगर पहुंचने के बाद LG मनोज सिन्हा के साथ शाह राजभवन जाएंगे। यहां वो रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सेना के बड़े अफसरों, IB चीफ समेत 12 बड़े सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। माना तो ये भी जा रहा है कि शाह का ये दौरा उस दौरान भी हो रहा है जब POK में पाकिस्तान का विरोध बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बीच तनातनी चल रही है। ऐसे में शाह के दौरे को आतंक पर आखिरी बार की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कि हो सकता है कि सरकार कश्मीर की स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की प्लानिंग में हो, जिससे कि आए दिन हो रहे ये हमले, टारगेट किलिंग, आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में अलग अलग घटनाओं में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग की है। हाल की घटनाओं में 11 लोग मारे गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों का जवाब देने के लिए पूरी घाटी में ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। पिछले 15 दिनों में कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के साथ 11 मुठभेड़ों में 17 आतंकी मारे गए हैं। वहीं 9 जवान भी शहीद हुए हैं। शाह इस दौरे से आतंकियों को मैसेज भी देना चाहते हैं कि उन्होंने सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अमित शाह के इस दौरे से क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और किस स्ट्रेटेजी के तहत आतंकवादियों को सबक सिखाया जाता है, अब बस उसका इंतजार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।